वैसे हमारे चैनल पे गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह ज्यादा आते हैं, लेकिन थिन एंड लाइट वाली ऑडियंस भी बहुत है। और जो स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको थिन एंड लाइट मामला चाहिए, भैया ज्यादा भारी भरकम नहीं, हमें गेमें नहीं खेलनी, हमें ऑफिस वाले काम करने हैं, हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, लैपटॉप बता दो। तो ऐसे ही एसर का स्विफ्ट नियो है आज हमारे पास, एंड ये लैपटॉप इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 1 वाला है। सीरीज 2 वाले काफी एक्सपेंसिव लॉन्च हुए हैं, एंड जब भी नई जनरेशन आती है तो पुरानी जनरेशन वाले लैपटॉप या तो सस्ते लॉन्च होते हैं या कम प्राइस पे आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला लैपटॉप OLED डिस्प्ले के अंदर है, काफी लाइट वेट ये है, एंड इस लैपटॉप की प्राइसिंग आपको 61,990 से स्टार्टिंग मिल जाएगी। तो बजट यूजर्स को टारगेट करने वाला है, तो जिस तरीके के कंज्यूमर्स को ये टारगेट करता है वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आप देखना कि आपको ये लैपटॉप चाहिए या नहीं चाहिए, आप किस टाइप के यूजर्स हो। तो शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले डब्बा नहीं खुल रहे यार, बस एक लैपटॉप मिलेगा बॉक्स के अंदर से, एंड एक 65 वॉट का टाइप सी वाला चार्जर मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपको ज्यादा चार्जर लेके नहीं घूमने पड़ेंगे। इसी लैपटॉप के चार्जर से लैपटॉप चार्ज कर लो, फोन चार्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या वाइसे वर्षा, अगर आपके पास फोन का कोई 65 वॉट वाला है, सुपर का चार्जर है, उससे आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। एंड जो लैपटॉप का कलर है वो रोज गोल्ड है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है। ऊपर एसर की ब्रांडिंग मार्क मिलती है, एंड कंप्लीट मेटल बॉडी के साथ आता है लैपटॉप। वैसे जो टॉप लीड है वो मैट फिनिश में है, लेकिन जो पीछे वाला एरिया है ना, ये हमारे को ग्लॉसी में मिलता है। और लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है, लिड हमारी 100 डिग्रीज तक ही जाती है, एंड अंदर से भी हमारे को फुल मैट फिनिश में मिलता है। एंड बॉटम से कुछ ऐसा है लैपटॉप दिखने में, और भाई हल्का है लैपटॉप, 1.3 kg का लैपटॉप, और चार्जर भी अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो 1.6-1.7 kg तक ही जाता है, तो आपको ज्यादा भार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लैपटॉप काफी पतला दुबला भी है, 11 mm के आसपास की थिकनेस है, तो काफी स्लीक स्लिम और काफी प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप है। आपके क्या थॉट्स हैं लुक्स के बारे में बताना मेरे को कमेंट करके। और बॉटम में इंटेक के वेंट्स हैं और एग्जॉस्ट वेंट हमारे को पीछे की तरफ मिल जाते हैं, एंड ये सिंगल फैन वाला थर्मल सिस्टम है इसके अंदर, बिकॉज यू सीरीज का प्रोसेसर है, इसके अंदर ज्यादा पावर ड्रॉ ही नहीं करता, तो ज्यादा थर्मल सिस्टम बड़ा करने का फायदा भी नहीं है, तभी लाइट वेट भी हो पाता है। और टॉप लेड फ्लेक्स बहुत ही माइनर सा हमारे को मिलता है यहाँ पे, जैसे मेटल की टॉप लेड, और कीबोर्ड फ्लेक्स तो ना के बराबर है, एंड यस स्क्रीन वॉबल इसके अंदर हमारे को अच्छा खासा मिलता है। देन कमिंग ऑन टू द हाईलाइट, इस लैपटॉप की डिस्प्ले 14 इंच का लैपटॉप है, तो 14 इंच की ओएलईडी डिस्प्ले मिलती है, WUXGA, दैट मींस 1200p वाली डिस्प्ले हमारी। और कलर गैमेट अच्छा मिलता है, 100% sRGB, 95% NTSC, 100% P3, यानी कि फुल ऑन कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। अगर आप कंटेंट वगैरह देखते हो या फिर अगर आप एक प्रोडक्टिव यूजर हो, तो अगर आपको कोई कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हैं, परफॉर्मेंस में कैसा है वो भी आगे बताता हूं, बट डिस्प्ले कलर एक्यूरेट है, एंड बढ़िया कलर्स मिलते हैं, ब्लैक स्पिच मिलेंगे बिकॉज OLED है, कलर्स पंची है, एंड ब्राइटनेस 325 निट्स की ऑल टाइम ब्राइटनेस मिलती है, एंड OLED के ऊपर अगर आपको 300 निट्स या उससे ऊपर मिल रही है ना, बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू एन IPS पैनल, एंड अप टू 400 निट्स तक भी इसकी ब्राइटनेस जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट। फॉर एग्जांपल कोई HDR वाला कंटेंट अगर आप देख रहे हो तो वहां पे और थोड़ा पुश हो सकता है। एंड यस रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो यार मेरे हिसाब से अब नहीं होना चाहिए, वो स्मूथनेस वाली फीलिंग नहीं आती 60 हर्ट्ज में। देखो 120 हर्ट्ज वाले को 120-60 में शिफ्ट कर सकते हैं, बट 60 वाले के साथ तो फिर 60 में जीना पड़ेगा ना। एंड यहाँ पे इंडोर अगर आप यूज करते हो कोई दिक्कत आज आपको होने नहीं वाली, आउटडोर यूज करोगे तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शंस वगैरह मिलेंगे बिकॉज ग्लॉसी डिस्प्ले मिलती है। और HDR का सपोर्ट इसके अंदर हमारे को मिलता है, जो कि नेटफ्लिक्स में शो नहीं कर रहा था, बट यस यूट्यूब में अगर आप HDR कंटेंट देखते हो तो यस HDR ट्यूनिंग भी इस लैपटॉप की बढ़िया है। और जो लैपटॉप के बेजल्स हैं वो भी हमारे को अच्छे खासे पतले मिलते हैं, टॉप का थोड़ा सा मोटा है, लेफ्ट राइट में अच्छे खासे पतले बेजल्स हैं। और जैसे कि OLED डिस्प्ले है ना, तो एसर को कुछ OLED बर्निंग से रिलेटेड फीचर्स देने चाहिए थे, जो यूजुअली हमें और लैपटॉप से मिल जाते हैं। बेसिकली OLED बर्निंग होता है, अगर आपकी स्क्रीन पे बहुत देर तक कुछ चल रहा है और वो स्टेबल है तो वहां पे वो छप जाता है, ये OLED के साथ कोई इशू नहीं है, ये OLED का अपना नेचर है। एंड इससे बचने के लिए कोई भी कांस्टेंट चीज हो स्क्रीन पे तो उसको आप हाइड कर सकते हो, जैसे कि टास्क बार नीचे रहता है हमारा, या फिर लैपटॉप पे आप स्क्रीन सेवर सेट करके रख सकते हो, 5 या 10 मिनट्स अगर आप सिस्टम यूज नहीं कर रहे हो, डायनेमिकली कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो स्क्रीन सेवर चलेगा, सारे पिक्सल्स रिफ्रेश हो जाते हैं। वैसे हाँ, ब्रांड ने F2 के ऊपर LCD लिख के दिया है, बेसिकली FN+F2 दबाओगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, अगर आप यूज नहीं कर रहे स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, लैपटॉप ऑन रहता है स्क्रीन ऑफ हो जाती है। वैसे यहाँ LCD की जगह OLED नहीं होना चाहिए था, ये नेक्स्ट यूनिट आए तो उस पर OLED छापना। बाकी राइट साइड में USB-C 3.0 का पोर्ट मिलता है, एंड 3.0 क्योंकि कॉपिंग स्पीड 300-350 mbps से ऊपर बड़ी नहीं देती, और साथ में नो PD एंड नो डिस्प्ले आउटपुट इस वाले टाइप सी पोर्ट में। बाकी हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो है, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है, जिसमें अप टू 1 TB तक हमने चला के देखा चल रहा था। वैसे 2 TB का भी SD कार्ड आता है, वो हमारे पास है नहीं, शायद वो भी सपोर्ट कर लेगा। एंड एक्सटर्नल SD कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपग्रेड करनी है स्टोरेज, क्योंकि जिन यूजर्स को टारगेट करता है, डेटा अगर आपके पास बहुत ज्यादा हो रहा है तो फालतू SSD में ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेटा स्टोरेज में कॉपिंग वगैरह उसमें ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड की नीड नहीं होती। SD कार्ड में हमारे को अप टू 100-150 mbps वाले कार्ड्स मिलते हैं, जो आराम से हमारा काम कर देते हैं।
जस्ट लाइक हार्ड ड्राइव। बाकी लेफ्ट साइड में USB-C 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट है। अब ये 3.2 Gen 1 है, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट मिलता है DP 1.4 एंड PD सपोर्ट करता है 65 वॉट, जो उसके चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो, साथ में फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी। और छेदों की बात यहीं पे खत्म नहीं होती, पीछे की तरफ भी है। एक हमारे को HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाता है, एक 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट। इतना पतला दुबला लैपटॉप और इतने सारे पोर्ट, जो कि बहुत सही चीज है। यूजुअली भाई सैक्रिफाइस हो जाते हैं थिन एंड लाइट लैपटॉप पोर्ट्स, इन्होंने भर भर के दिए। और जैसे ये 14 इंच का लैपटॉप है, तो हमारे को यहाँ पे 10 कीलेस कीबोर्ड मिल जाएगा। कीबोर्ड की कीज अच्छी खासी बड़ी बड़ी है, टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है इसके ऊपर। एंड यहाँ पे एरो कीज लेफ्ट राइट भी काफी बड़ी है, जो यूजुअली ऑफिस के टास्क में स्टूडेंट्स के ज्यादा काम आती है, लेफ्ट राइट डॉक्यूमेंट होता रहता है वो। और सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड है, जो अंधेरे में कुछ इतनी दिखाई देती है। यूजुअली कीबोर्ड बैकलिट थोड़ी सी ब्राइट होती है, इसकी मेरे को कम फील हुई, बट ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है चलाने में। एंड ट्रैक पैड, जितना बड़ा लैपटॉप है ट्रैक पैड का साइज अच्छा खासा दे रखा है, जो कि यूज करने बढ़िया है। मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल वाला है, एंड साथ में विंडोज हेलो यानी कि फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जिसके थ्रू आप अपना लैपटॉप एकदम उंगली लगाते भाई साहब एकदम VIP लॉगिन, क्या कह रहे उंगली लगा दे अंगूठा छाप आदमी। और एसर के लैपटॉप्स की जो बढ़िया बात लगती है, इनका वेबकैम बढ़िया होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका 1080p 30fps वाला वेबकैम है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे लाइट कंट्रोल वगैरह अच्छा है, कलर्स वगैरह अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बाकी OLED डिस्प्ले भी है, मुझे थोड़े बेटर दिख रहे हैं। आप मेरे को बताना आपको कैसे दिख रहे हैं, मैं एडिटिंग के टाइम पे देखूंगा, बताओ कमेंट करके। यार तुम करते ही नहीं हो, करो भाई। और जैसे कि इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 1 है, इसके अंदर NPU है, बट विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स नहीं मिलते कैमरा के अंदर, प्रोबेबली अपडेट वगैरह के थ्रू आ जाएंगे बाद में। स्पीकर्स लाउड हैं, वोल्टेज तो पता नहीं कितनी है, लेकिन अच्छे फील होते हैं, टॉप फायरिंग वाले हैं, सामने रहते हैं तो अच्छा सुनाई देते हैं। बस स्पीकर के अंदर ना वो फुलफिलमेंट नहीं है, थोड़ी सी ना ऐसे दबी दबी सी आवाज फील होती है, बट एज सच आप डिसअपॉइंट तो नहीं होगे। जिस टाइप के काम आप करेंगे, कोई वीडियो वगैरह देख लिया, कोई मीटिंग वगैरह ले ली, उसके साथ ठीक है। और ये लैपटॉप 50 वाट आवर बैटरी के साथ आता है। अब कहोगे 50 वाट आवर, भाई CPU इसके अंदर ज्यादा पावर ड्रॉ वाला नहीं है, यू सीरीज का प्रोसेसर है, अच्छा बैकअप निकाल के देता है। अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स का बैटरी बैकअप हमारे को मिला, यूट्यूब चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, और साइड बाय साइड मल्टीपल एप्लीकेशंस, कॉन्स्टेंट रनिंग बैटरी बैकअप है ये। कि आप ऑन एंड ऑफ यूज करोगे, बेसिकली ऑल डे लॉन्ग बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। अगर और भी कम यूज कर रहे हो तो एक दिन से ज्यादा भी मिल सकता है, विच इज गुड, पावर एफिशिएंट लैपटॉप है। और हाँ, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस एंड 100% वॉल्यूम पे स्पीकर चल रहे थे, तो आपके केस में वो भी वेरी कर सकता है। एंड यस, आइडल ड्रॉप, यहाँ पे अगर लैपटॉप ऐसे चल रहा है और आपने इसको जैसे ऐसे बंद कर दिया, लैपटॉप को टर्न ऑफ नहीं करा, तो उसके अंदर 15 घंटे के आसपास में 4-5% का बैटरी ड्रॉप मिला हमारे को, जो कि नॉर्मल है इस सीरीज के हिसाब से। बाकी जो अगली सीरीज आ रही है, ज्यादा पावर एफिशिएंट आ रही है, उनके अंदर और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, फिर पैसे भी यहाँ से 2-3 गुना है। और जो उसका 65 वॉट का चार्जर है टाइप सी वाला, उससे 2 आवर्स 15 मिनट्स में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है। अब बातें कर लेते हैं थोड़ी तकनीकी। यहाँ पे इंटेल कोर अल्ट्रा 5 115U प्रोसेसर मिलता है, जो हमारा 8 कोर 10 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, लेकिन इसके अंदर हमारे को 2 ही पी कोर्स मिलते हैं, 4 E कोर्स एंड 2 LP कोर्स। पी मतलब परफॉर्मेंस, ई मतलब एफिशिएंसी, LP मतलब लो पावर एफिशिएंसी कोर्स। एंड ये वाला जो प्रोसेसर है बहुत पावर एफिशिएंट है, अप टू 15 वॉट तक ही पावर ड्रॉ कर पाता है। एंड यस, इंटेल का AI बूस्ट, 13 टॉप्स का NPU मिलता है इसके अंदर। अगर आप कोई छोटे मोटे लो पावर AI टास्क करोगे तो वो NPU को असाइन होते हैं। और इंटेल ग्राफिक्स IGPU इसके अंदर हमारे को मिलता है, जो बेसिकली इंटीग्रेटेड GPU होता है CPU के साथ ही, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। एंड 16GB LPDDR5X RAM मिलती है, लो पावर RAM है यानी कि सोल्डर्ड है, 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड के साथ। एंड 16GB इज मोर देन इनफ जिन यूजर्स को टारगेट करता है। और 512GB की Gen 4 SSD मिलती है, जिसके रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छी खासी है, 7000 MBPS के आसपास रीड स्पीड एंड 5000 MBPS के आसपास राइट स्पीड। एंड सिंगल ही SSD का स्लॉट मिलता है, तो अगर आपको स्टोरेज एक्सपेंड करनी है, या तो SSD स्वैप करो या फिर SD कार्ड रीडर स्लॉट है उसमें SD कार्ड लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमारे को मिलता है। एंड MS Office 2024 लाइफ टाइम के लिए एंड 1 ईयर का Microsoft 365 का बेसिक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है, जो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है, और वो इन्होंने दी है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बेंचमार्क Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, मल्टी कोर में 5000 के आसपास एंड सिंगल कोर में 1500 के आसपास। एंड अगर कंपेटिटिव CPU से कंपेयर करो, क्योंकि इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125U भी आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होती है, जितना कम नंबर उतनी कम परफॉर्मेंस, एंड फिर U है, उसके बाद फिर इसमें HB आता है, तो इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना। बेसिकली H गेमिंग लैपटॉप से मिलता है और U हमारे को थिन एंड लाइट में मिलता है, और थिन एंड लाइट में भी और बजट में ये वाला प्रोसेसर है जो मैंने आपको बताया अभी। एंड उसके बाद Cinebench 2024 के नंबर्स आपके सामने ये रहे, 10 GigBench 6 का बेंचमार्क हो गया, 10 GigBench 6 का AI वाला बेंचमार्क, 10 CrossMark जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, PC Mark 10 5000+ एंड Puget Bench फॉर फोटोशॉप भी रन किया हमने, 4000 के आसपास स्कोर निकल गया, यानी कि आप फोटोशॉप रन कर पाओगे। हम चला के देख रहे थे, यहाँ पे अगर आपको लाइट प्रोजेक्ट्स चलाने हैं फोटोशॉप वगैरह में, वो आप कर पाओगे। कलर ग्रेडिंग अगर करनी है फोटोज वगैरह में, तो वो इसी स्क्रीन पे भी हो जाएगी, क्योंकि कलर एक्यूरेट स्क्रीन है। सिमिलरली प्रीमियर प्रो को चला के देखा, 1447 स्कोर
4 निकल गया, दैट मींस वीडियो एडिटिंग के लिए तो डिवाइस नहीं है। हाँ, बहुत ही हल्के लेवल की बिल्कुल 720p पे आप टाइमलाइन को डाल लो और छोटे मोटा एक दो लेयर के प्रोजेक्ट का भी करने का मन बने तो बस उतना बहुत हल्का हैंडल कर पाएगा, उसमें भी लैग्स एंड स्टटर आपको मिलेंगे बिकॉज सीपीयू जो है ना बहुत ज्यादा एफिशिएंसी वाला है। एंड ये जितने बेंचमार्क के नंबर मैंने आपको दिखाया, अगर आपको कंपेयर करना है ना, अगर आपको कोई और लैपटॉप लेने का मन बन रहा है, ये हमारी सारी वीडियोस में होते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो, जितना ज्यादा नंबर उतने ज्यादा बढ़िया स्कोर्स। एंड इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को कंक्लूड कर देता हूं, देखो स्टूडेंट हो, मल्टीटास्किंग करनी है, डे टू डे टास्क करने या ऑफिस वाला काम करते हो आप, तो यहां पे हमने बहुत सारे टैब्स खोल के देखे एक ब्राउजर के अंदर एंड साइड बाय साइड बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल के देखी। 16GB रैम के साथ आता है, आराम से सारी चीजें हैंडल कर लेता है, कोई ऐसा लैग या स्टटर हमारे को नहीं मिला जिस टाइप के टास्क हम इसके ऊपर करके देख रहे थे। बाकी अगर स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह करनी है लाइक पाइथन, C++ वगैरह, तो वो सब आप कर सकते हो एंड ट्रैवल करते हुए मल्टीमीडिया देख लिया, वेब ब्राउजिंग वगैरह कर ली, उस टाइप के टास्क ये हैंडल कर पाता है। और परफॉर्मेंस कितनी बात चल रही है, तो गेम टेस्ट भी हमने करे हैं, जैसे कि वैलोरेंट आप देख सकते हो यहां पे 100-120 एवरेज FPS हमारे को मिल रहा है, समटाइम्स बिलो 100 चले जाते हैं, बट ये 60 से ऊपर ही है। अब ये तो है 60Hz वाली स्क्रीन इसकी, अब अगर आपको ज्यादा FPS पे खेलने का मन है तो इतना कैपेबल CPU है कि वैलोरेंट खिलवा सकता है लो सेटिंग्स पे, तो आप एक्सटर्नल हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर लगा के खेल सकते हो। फिर CS2 टेस्ट किया हमने, लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स एंड यस, CS2 भाई बहुत इंटेंसिव गेम हो गई हमारी, बहुत ज्यादा GPU चाहिए होता है, तो यहाँ पे इतने अच्छे FPS हमारे को मिले नहीं इसके अंदर, बट यस GTA 5 भी हमने टेस्ट किया था नॉर्मल सेटिंग्स पे, एंड नॉर्मल सेटिंग्स पे एवरेज हमारे को 40-50 FPS मिल रहे थे, यानी कि आप प्लेबल FPS पे GTA 5 इस लैपटॉप के ऊपर खेल सकते हो। ये बस थोड़े से गेम टेस्ट मैंने करके देखे, तो अगर आपको कोई छोटी मोटी कैजुअल गेमिंग करनी है या कोई आपको पुराने इम्यूलेटर चलाने हैं, जैसे कि नाम वाम लेके पता नहीं कम्युनिटी गाइडलाइन वगैरह सीन ना हो जाए, तो वो वाले गेम वगैरह भी आप इस पे खेल सकते हो। तो बस ये था Acer Swift Neo का पूरा रिव्यू, और प्राइसिंग स्टार्ट होगी एट 61,990। अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको ऑफिस वाले टास्क करने हैं, मल्टी टास्किंग करनी है, मल्टीमीडिया कंजम्पशन बहुत ज्यादा है बिकॉज डिस्प्ले बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, स्पीकर्स भी ठीक ठाक लाउड मिल जाते हैं, तो ओवरऑल लाइट टास्क यूजर्स को ये लैपटॉप टारगेट करता है। अगर आपको ऐसा लैपटॉप देख रहे हो जैसे थिन, स्लीक, स्लिम वगैरह, तो आप ये चेक कर सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी तो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर कंपैरिजन चाहिए इस लैपटॉप का किसी और लैपटॉप से एक बार वो भी बता देना, या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।